गुड स्वागत के आपका आज के दोस्तों हमेशा से सपना देखा करती थी कि मेरा भी नाम हो, मेरी एक पहचान हो मैं नहीं चाहती थी कि एक हाउसवाइफ बनके जिंदगी मेरी बीत जाए तो फ्रेंड्स इसी बीत इसी सर्चिंग में मोदी केयर मेरी लाइफ में आया और मोदी केयर ने मुझे वो कॉन्फिडेंस वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जिसको ग्रैप करके आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ फ्रेंड्स बताना चाहूंगी हमेशा से सर्च कर रही थी कि कुछ करना चाहती हूँ छोटे बच्चे हैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ कर रही हूँ और प्यारी सी टीम बन गई है और डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हूँ और आगे सपनों की बात करूं फ्रेंड्स तो बहुत सारे सपने हैं घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए साथ में मान सम्मान इस बिजनेस में आने का मेरा मोटिव था मान सम्मान चाहिए और बस उसी के लिए काम कर रही हूँ और दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं तो मोदी केयर की पार्ट टाइम की इनकम से अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे फोन गिफ्ट कर चुकी हूं साथ ही साथ खुद को गोल्ड का मंगल सुख सिक्सटी थाउजेंड का गिफ्ट कर चुकी हूं और ये एक हाउसवाइफ के लिए छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है बट छोटी इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी केयर में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हैं तो मोदी केयर उनको पूरी करने की ताकत रखता है बस लगन से मोदी केयर करना है और दिल दिमाग सब कुछ मोदी केयर में लगा देना है तो फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया और आज का सेशन जो है आज के सेशन की बात करूं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आपकी टीम अभी मीटिंग में नहीं है तो प्लीज उन्हें कॉल कीजिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि समीर मोदी सर हमारे लिए एक ऐसी रेंज लेकर आए हैं एक स्पोर्ट्स रेंज हमारे लिए लेकर आए हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं तो फ्रेंड्स इन्हीं स्पोर्ट्स रेंज को इन्हीं वेलनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करके साथ ही साथ उसको कैसे करना है हम लोगों के साथ कैसे बात करें लोगों के साथ कैसे प्रोडक्ट्स को शेयर करें आज हम इस मीटिंग में वही सब सीखेंगे तो फ्रेंड और ये सब आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये सब सिखाने कौन आ रहा है हमारी ग्रेट 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 गुरु माँ सुरेखा मैम जो कि मैं क्या कहूं उनके बारे में एक सिंपल हाउसवाइफ होने के साथ साथ पूरी हाउसवाइफ हाउसवाइफ होने के साथ साथ उन्होंने आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लाखों लोगों को दिया है हम सभी लोग उनकी वजह से सक्सेसफुल हो रहे हैं उन्होंने हर वो काम किया जो हमारी ग्रोथ में काम आया तो फ्रेंड्स सुरेखा मैम की बात करूं तो उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उनकी मैं क्या कहूँ हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है और उन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाके लाए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी अप्लाइंस का सुरेखा मैम का समीर मोदी सर का कि ऐसी प्रोडक्ट रेंज हमारे सामने लेकर आए हैं जिससे हम अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं सुरेखा मैम हमारी टॉप अर्नर यानी डेढ़ करोड़ पर मंथ अर्न करती है मोदी केयर से और उन्हें वही हमें आज सिखाएंगे कि हम वेलनेस के न्यू प्रोडक्ट रेंज के साथ स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा एक एक पॉइंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि यही पॉइंट्स आप लोगों को बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये बिजनेस है ही सीखने का और सिखाने का जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे आगे हम नहीं सिखा पाएंगे तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी सुरेखा मैम का और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का कि मुझे है मौका दिया so so wow, जिंदगी में एक मंगल सूत्र है, शादी के वक्त मिल गया उसमें सवर कर लेते हैं और अपने सपनों के मंगल सूत्र के लिए जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं ना वो ही लोग हैं जो सफलता पा सकते हैं मैं जोरदार तालियां आप लोगों के लिए आपके लिए बजाना चाहूंगी इट्स सो अमेजिंग उर्मिला जी फैंटास्टिक दोस्तों अमृत भी, भी कोई ला करके दे देना अगर अमृत भी कोई ला करके दे देना तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता तो आइए शुरू करते हैं सपनों के इस सफर को जो कि मोदी के ने हमारे लिए और आसान कर दिया है और महान कर दिया है दोस्तों आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी जब मैं मैंने मोदी केयर में ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मुझे नहीं पता था इन प्रोडक्ट से क्या करना है ये शैंपू सोप ये क्या कर सकते हैं इनका जादू क्या है ये जिस समय मैंने ज्वाइन किया था आठ प्रोडक्ट थे आठ प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता था पर मेरे सपने मेरे लिए क्या हैं ये मुझे पता था ये मेरे को अच्छे से पता था कि मैं मेरे बच्चे के साथ जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ मैं मेरी सासू माँ को किसी चीज के लिए ना नहीं देना चाहती हूँ चाहती हूँ मेरी सासू माँ मुझ पर गर्व करे मैं चाहती हूँ हस्बैंड को जब रात को घर लौटे तो भविष्य की चिंता नहीं हो मेहनत कर करके है मेहनत में बड़ा सुख है और मेहनत करने के बाद जब भविष्य की चिंता होती है ना वो मेहनत को कठिन बना देती है वो मेहनत को संघर्ष बना देती है वो मेहनत को एक समस्या बना देती है मेरा मन था कि बस कुछ भी हो ये आए

इतना बड़ा कर दिया है चार सौ रुपए लेकर के निकले थे राय बहादुर गुजर मो, मोदी जी अपने घर से आज उन्होंने इतना बड़ा के के मोदी ग्रुप आज खड़ा हुआ है तो भैया इन्हें सफलता का सब ही पता है और त भी पता है हमें इन पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर इनके किसी भी प्रोजेक्ट में एक आम आदमी की सफलता महत्वपूर्ण है और मैं वो आम आदमी हूं और मैं अगर इनके साथ बहली मैंने अगर बहती गंगा में हाथ धो लिए तो भैया सफलता मैं भी भालूंगी बस इतना कॉमन सेंस मेरे में था या शायद कहूंगी उस समय कॉमन सेंस से भी बड़ा मेरा सपना मुझ पर हावी था इन दो बातों को क्लब किया और उन आठ प्रोडक्ट्स को समझने बैठी मैं आपको बताती हूँ जब मैं ज्वाइन करके घर गई थी तो किट में आठ प्रोडक्ट थे वो हम लेकर के घर गए मैं मेरी सासू सासुमा मेरे ससुर जी डेढ़ साल का निशांत और हम लोग जब घर पहुंचे वो आठों के आठों प्रोडक्ट हमने टेबल पे फैलाए और उनके साथ खेलना शुरू किया उनका डेमो करना शुरू किया इससे ये किया इससे ये किया आठ हमने डेमो तैयार दे किए थे किसी YouTube वीडियो पर वो नहीं नहीं आया था किसी अप्लाई ने हमें करके नहीं दिखाया था किसी किसी ने ने हमें हमें करके करके दिखाया कंपनी स्टाफ नहीं दिखाया था सिर्फ पॉसिबिलिटी थिंकिंग जो होती है ना वो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है और जो व्यक्ति पॉसिबिलिटी थिंकिंग करने लगता है उसमें अपने जीवन का भविष्य ढूंढने लगता है ना उस व्यक्ति के लिए कभी अंधेरा सामने आता ही नहीं है हमेशा वो उजाले में ही रहता है और बस वही हुआ दोस्तों आठ प्रोडक्ट के साथ जो कहानी शुरू हुई एक तरफ मोदी केयर बड़ा होता गया दूसरी तरफ निशान बड़ा होता गया तीसरी तरफ हमारे बिजनेस बड़ा होता गया एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री दोस्तों जो हुआ है वो आपको पता है जो सफलता मैंने पाई है वो आपको पता है जो सफलता लाखों मोदी केरियंस ने पाई है वो सब इसी तर्ज पर चल करके पाई है कि जो कुछ मोदी केयर ले आया उसको उन्होंने ढंग से इस्तेमाल किया देखिए एक समझदार बिजनेसमैन वो होता है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेस को ढंग से यूज करता है और बस यही कहानी होती है एक बिजनेसमैन की यही लोग जो यूज कर लेते हैं वो सफल हो जाते हैं जो लोग आलस में रह जाते हैं या लेड बैक एटीट्यूड में रह जाते हैं कल करेंगे कल के लिए टाल देते हैं या हर चीज में नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग करते हैं वो लोग जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते तो आइए चलिए दोस्तों जो भी हम लोगों ने सफलता पाई है हमें अच्छे से पता है वो सफलता आप अपने लिए भी देख रहे हैं आप भी बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं आप भी अपने परिवार को अच्छे से घर में रखना चाहते हैं आप भी शीशे के सामने खड़े होकर के वो खुद को जो धन्यवाद देना होता है खुद को जो शाबाश देना होता है खुद की पीठ थपथपानी होती है वो पीठ थपथपाना चाहते हैं आप भी घर वालों के आंखों का ना नूर बनना चाहते हैं उनकी गर्दन एक लंबी बनने का कारण बनना चाहते हैं तो दोस्तों आइए उन्हीं सपनों के नाम आज जब मोदी केयर एक साथ सात प्रोडक्ट लाया है और मैं बता दूं आपको कहने कहने को को ये जो जो वेल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी आई है वो सात प्रोडक्ट हैं बट बिलीव मी इन सातों प्रोडक्ट पर एक अलग कंपनी खड़ी की जा सकती है अगर आज किसी कंपनी ने ये सातों प्रोडक्ट एक नई कंपनी ने ये सात प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए होते ना तो भी उसके अचीवर्स लाखों रुपया कमा सकते थे एक ऐसी रेंज हमारी कंपनी ने इतना बड़ा हमें ऐसे दे दिया बस कि लो चलो एक और सितारा तुम्हारे आसमान में जोड़ दिया है बस अब उस सितारे को अगर बस हम कभी दूर से देखेंगे और उस पे नाच करेंगे तो मजा नहीं आएगा मजा तब ही है जब हम इस कैटेगरी के लिए गरम हो बिल्कुल गरम हो जाएं गरमा जाएं एक्साइट हो जाएं एंथुजियास्टिक हो जाएं और पॉसिबिलिटी थिंकिंग करने लगे ये होगा ये होगा ये हो सकता है ये हो सकता है और फिर खुशी के साथ उत्साह के साथ छोटे छोटे एक्शन जब हम करेंगे तो दोस्तों फिर ये कैटेगरी सचमुच हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगी फिर आप ये कह पाओगे की भैया क्या कर दिया मोदी साहब ने जिस दिन मोदी साहब ये स्पोर्ट्स रेंज ले आए मेरी तो जिंदगी उसी दिन बदल गई तो आप सब ये कह सके आपकी लाइफ का एक बिल्कुल बहुत बड़ा लीप आपको ये कैटेगरी दे सके उसी इरादों के साथ उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए उसी प्यार और दुआओं के साथ आज की मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ और आपको बता देती हूँ मेरा फेवरेट टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब-जब कुछ आया मेरी जिंदगी में ना मैंने अपने आप को ऐसे झंझोरा है मैंने अपने आप को हिलाया है मैंने बाहर बात करने से पहले खुद से बात करी है खुद से पूछा है कि सुरेखा भारत तू क्या चाहती है तू क्या कर सकती है और कैसे तू आउट ऑफ द बॉक्स ऑल आउट जा सकती है और कुछ नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है तो जो मैं अपने आप से बातें करती हूँ ना वो बातें मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ एंड बिलीव मी जब मैं अपने आप से बात करती हूँ अपने आप को झंझोड़ती हूँ हिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने आप को कभी कभी जरूरत पड़े तो दुधकारती हूँ डांटती हूँ और फिर अपने आप को अपने ही अंदर से जब उठाती हूँ ना तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आज मैं जब आपके साथ वही बातें शेयर करूंगी तो मुझे पता है वो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है आप सब वो फटा पोस्टर हीरो की तरह बाहर निकलना चाहते हैं अपने आप से हम सब चाहते हैं हम सब सफलता की वो बड़ी कहानी बनना चाहते हैं तो आइए चलिए जो मेरा फेवरेट टॉपिक है ना वो ये है कि जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है तो मैं उसको स्पॉन्सरिंग पे लेकर के जाती हूँ जब भी मेरे हाथ में कुछ आता है मैं तो उसे स्पॉन्सरिंग पे लेकर के जाती हूँ कि भैया क्या किया जाए अब ये कैटेगरी तो आ गई समीर सर ने तो अपना सब काम कर दिया हम क्या करें हम आ, बैठे सर सर को बस शाबाशी दें सर पे नाश करें अः थोड़ी इस बारे में बात करें एक दो ट्रेनिंग अटेंड करें एक दो लोगों से बात करें क्या वो काफी होगा फिर क्रिटिकली इस कैटेगरी को देखें कि इस कैटेगरी में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मार्केट में क्या अच्छा है मार्केट में मार्केट में क्या अच्छा नहीं है एस क्रिटिक एस थर्ड पर्सन बनकर के दूर खड़े होकर के इस कैटेगरी को देखें या अपना बनकर के मालिक बन के इस कैटेगरी में घुस जाए देखो एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ना करोड़ों रुपए की तो रिसर्च लगती है और फिर न जाने कितना ही मल्टीपल इन्वेस्टमेंट लगता है उस प्रोडक्ट को जगह जगह हर सेंटर में पहुंचाने के लिए हर डीपी पे पहुंचाने के लिए अवेलेबल कराने के लिए तो एक तरफ आरएनडी में खर्चा किया गया दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया गया और फिर उस कंपनी में उस प्रोडक्ट रेंज में आपके मालिक का आपके प्रमोटर्स का विश्वास उनकी ओनरशिप उनका ट्रस्ट की हाँ जी हो जाएगा ये कैटेगरी इंडिया में को, कोई और एमएलएम कंपनी लाई नहीं है तो कितना बड़ा ट्रस्ट होता है बिलीफ होता है जब वो उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं नाम होता है हमारी कंपनी मोदी केयर है 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 नाम जुड़ जाता जब जब कोई एक प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च लॉन्च की जाती है तो तो जब उन्होंने इतना सब किया है इतना सब इन्वेस्ट किया है तो मुझे जरूरत नहीं है क्रिटिक बनने की मुझे परफॉर्मर बनने की जरूरत है मैं टेबल के उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी जो कुछ किया है वो उन्होंने किया है मैं टेबल के इस तरफ हूँ और मैं हूं परफॉर्मर मेरा काम है एक्शन करना और एक्शन दो ही तरीके के होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक कि जो आपकी बनी बनाई एग्जिस्टिंग टीम है उन तक राइट right एटीट्यूड के साथ राइट right के साथ राइट नॉलेज राइट स्किल पहुंचाई जाए और दूसरा जो भी कैटेगरी लॉन्च हुई है उस कैटेगरी की न्यू न्यू स्पॉन्सरिंग की जाए हर कैटेगरी को मैं ऐसा मानती हूँ देखो जब शुरू में मोदी केयर में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं था जब मोदी केयर ब्यूटी प्रोडक्ट लाया मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ आज भी आप मेरे नेल्स देखोगे तो नेल पेंट नहीं लगा पाया मैं नेल पेंट लगाती हूँ तो मेरी आंखों में एलर्जी होती है पर जब ब्यूटी रेंज मोदी केयर लेकर के आया और मेरे को समझ में आया कि एक नई कम्युनिटी है एक नई दुनिया है जिसको जिसको हम हम इस कैटेगरी के थ्रू बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं मैंने नेल आर्ट सीखा मैं 250 तरीके के नेल आर्ट कर सकती हूँ और हमने नेल आर्ट वर्कशॉप जस्ट ए मिनट हमने नेल आर्ट वर्कशॉप जो है एक मिनट ये मिस्टर अनुज हैं कोई जो बार बार वाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं हम इन्हें हटा नहीं पा रहे हैं मिस्टर अनुज प्लीज शेयर करना बंद कीजिए तो आप इस बात को समझिए कि हमने किया ये स्पॉन्सरिंग में घुस गए ब्यूटी प्रोडक्ट की स्पॉन्सरिंग में घुस गए और दोस्तों जो है वो आपके सामने है सारा हिंदुस्तान अर्बल कलर सारा हिंदुस्तान श्लोक का सबकी कस्में खाता है न केवल ब्रांड बिल्ड हो गई है इस प्रोडक्ट के थ्रू लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं तो आइए चलते हैं वेल स्पॉन्सरिंग पे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ जस्ट ए मिनट परफेक्ट तो आइए चलते हैं हम समझते हैं वेल स्पॉन्सरिंग कैसे की जाएगी जब भी कुछ नया आता है पे लग जाओ नए लोगों से बात करने लगो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब भी कुछ आता है ट्रेनिंग पे घुसते हैं जो कि बहुत जरूरी है ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग कराते हैं ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग कराते हैं पर दोस्तों सब सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो स्पॉन्सरिंग है सीखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो सिखाना है और जब हम नए लोगों से बात करने पे आते हैं नए लोग हमारे बिजनेस में आने लगते हैं न्यू ब्लड हमारे बिजनेस में आने लगता है सब जीतते चले जाते हैं विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आइए चलिए चलते हैं वेल well, स्पॉन्सरिंग कैसे की जा सकती है आर यू रेडी क्या आप सब तैयार हैं बहुत बढ़िया आइए सबसे पहले तो देखिए समझते हैं वाई स्पॉन्सरिंग क्यों करना है किस एटीट्यूड के साथ करना है किस वॉइस के साथ करना है किस शान के साथ करना है किस थिंकिंग के साथ करना है सबसे पहले तो ये समझिए कि जो व्यक्ति देने की सोच रहा होता है ना वो काम ज्यादा कर रहा होता है जब हम लेने के बारे में सोचते हैं ना अगर मैं आपसे कहूँ ना ये करो आपको ये मिलेगा ये करो आपको ये मिलेगा ये करो आपको ये मिलेगा और आपके दिमाग में सर्विस नहीं है आपके दिमाग में देना नहीं है ना तो आप थोड़ा उस काम को टालते हो तो सबसे पहले अपने आप को बताओ कि जब आप इस नई रेंज में काम करोगे आप वैल्यू एड करोगे जैसे जब ब्यूटी प्रोडक्ट आया था तो हमने एक स्लोगन निकाला था वी मेक वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल हम दुनिया को और खूबसूरत बनाने के बिजनेस में हैं। अब जब वेल स्पोर्ट्स रेंज आई है तो हम कह रहे हैं कि भैया हम ग्रेट बॉडीज बनाने के बिजनेस में हैं। ग्रेट बॉडी गिव्स कॉन्फिडेंस अगर आज आप किसी की भी मदद करते हो मसल बिल्ड करने में किसी की भी मदद करते हो बॉडी बिल्ड करने में जब एक बार किसी व्यक्ति को चढ़ जाती है यानी सूच जाती है ना कि उसको एक अच्छी बॉडी बनानी है उसको मसल्स बिल्ड करनी है उसको जरा डोले शोले बनाने हैं या उसको फिट बॉडी रखनी है या उसको स्लिम बॉडी करनी है एक बार जब किसी व्यक्ति को अपने बॉडी में कोई कमी नजर आने लगती है या कुछ बेहतरीन नजर आती है ना उसके बाद उसको दुनिया की कोई चीज खुशी नहीं दे सकती अगर आज किसी को 65 फाइव के का वेट चाहिए आप उसको पैंसठ किलो सोने में भी तोल दोगे ना अगर वो 80 किलो का है अच्छी बॉडी पाना फिटनेस लेवल पाना किसी भी दुनिया के दूसरे नशे से बड़ा नशा है जब लोगों को इस नशे की आदत पड़ जाती है ये एक पॉजिटिव नशा है ये एक कंस्ट्रक्टिव नशा है और जब लोगों को इस इस चीज की आदत पड़ जाती है अच्छी बॉडी में अच्छा ब्रेन रहता, है, अच्छा रहता है, हमें पता है तो दोस्तों हम अच्छी बॉडी बनाने के बिजनेस में और अच्छी बॉडी लोगों को कॉन्फिडेंस देगी अच्छी बॉडी लोगों को हैप्पीनेस देगी और भैया ये जो अच्छी बॉडी पाना है ना ये ट्रेंड हो गया है पहले तो ये था कि ठीक है कुछ लोग जो है वो अखाड़े में उतरा करते थे या कुछ लोग मैराथन करते थे कुछ लोग जो है वो बहुत कम लोग जुम्बा किया करते थे बहुत कम लोग डांस किया करते थे आजकल मेरे को कोई बच्चा नहीं दिखता जिसको डांस नहीं आता आजकल सबको पता है भाई हर पार्टी में डीजे चलेगा नाचना तो है ही तो क्यों नहीं भैया डांस की अच्छे से प्रैक्टिस ही की जाए बच्चा बच्चा जो है बच्चा तो छोड़ो बच्चे भी बूढ़े भी जवान भी हर कोई डांस कर रहा होता है आप देखो जिम हर गली में आपको एक नया जिम मिलेगा हर दिन एक नया जिम खुलता है आपके इलाके में क्यों खुलता है क्योंकि अच्छी बॉडी ग्रेट बॉडी पाना एक ट्रेंड ही हो गया है इसके बाकी के फायदे तो यही है, है पर ये ट्रेंड है और क्योंकि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ट्रेंड है ये यह यहाँ पे हमेशा रहना है तीसरी बात आपको बतानी है अपने आपको कि ये जो रेंज आई है ये यहाँ पे मैंने जब स्लाइड बनाई थी पीपीटी बनाई थी 1500 करोड़ था अब 1800 करोड़ की हो गई है जैसे ही मोदी केयर वालों ने ग्रेट बॉडी की बात करनी शुरू करी तुरंत तो इस बॉडी ने इस कैटेगरी ने पिकअप पकड़ा है और ये गलत है फिफ्टीन ये एटीन करोड़ का मार्केट है अभी आज की तारीख में अगर किसी भी प्रोडक्ट का एटीन करोड़ का मार्केट है और आप डायरेक्ट सेलिंग में वो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो तो मान करके चलो कि हम एटीन हंड्रेड का एटीन हंड्रेड तो नहीं कब्जा लेंगे पर फिर भी जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं सात सौ आठ सौ करोड़ तो हम कब्जा सकते हैं इकलौती है कोई और कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में इस रेंज में हम ना, ना करते मैं अगर नियर फ्यूचर की भी बात करूं तो 500 700 करोड़ कहीं नहीं गया इट्स अ बिग मार्केट अगर आज आप इस कैटेगरी में काम करना शुरू करोगे इसके बारे में लर्न करना शुरू करोगे एक नई कैटेगरी है सीखोगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे इसकी पॉसिबिलिटी समझोगे इसके लिए अपने घर से निकल करके ट्रेनिंग अटेंड करने जाओगे इसके लिए लोगों से जाके बात करोगे जाओगे एक नए सिरे से नए तरीके के लोगों से रिजेक्शन लेकर के आओगे चार बातें उनकी सुन करके आओगे तो वो सब वर्थ रहेगा आप जब कमाओगे ना इस रेंज के खिलाड़ी बन गए तो जो कमाओगे ना वो भी फिर आप कहते हैं ना फर्स्ट मूवर बेनिफिट फर्स्ट मूवर एडवांटेज जब इस कैटेगरी में कोई है ही नहीं और आप हो अगर आप जल्दी से जल्दी जागोगे इसमें एडवांटेज तो मिलेगा और ये पंद्रह सो करोड़ जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जेब में आने वाला है देखोगे आप भी यही हूँ मैं भी यही हूँ हम सब यही है अभी इन्हीं में से कुछ लोग निकल करके आएंगे जो कहेंगे मैम मैं, मैं टीवीडी हो गया मैं रेड हो गया मैं टीआरडी हो गया आपको अगर वेल स्पोर्ट्स कैटेगरी को यूज करके सुरेखा भार्गव के अलावा कोई टीआरडी मिल जाए ना कि भैया ये साल भर में कोई टीआरडी निकल करके आ गया है आश्चर्य नहीं करना ये ऐसी रेंज है जो सारी गेम चेंज कर सकती है दिस कैन बी अ गेम चेंजर आपको अपने आप से बातें करनी है क्यों बातें करनी है क्योंकि हम जब छोटा सोचते हैं तो हम एक्शन नहीं करते इनफ पर जब हमें पॉसिबिलिटी के दरवाजे हम अपने लिए खोल देते हैं तो उसके बाद हम अपने लिए एक्शन करते हैं राइट right एक्शन करते हैं परसिस्टेंटली एक्शन करते हैं और वो हमें रिजल्ट मिलते हैं तो इट्स बिग मार्केट इसको आप इग्नोर uh, नहीं कर सकते आप इसको लव कर सकते हो इसको हेट कर सकते हो आपकी चॉइस है पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और क्यों करो इग्नोर जो चीज घर में लक्ष्मी ला सकती है ना आपको आर में पैसा लगाना ना आपको इसके लॉन्च में पैसा लगाना ट्रेनर कंपनी रख रही है और जब कंपनी इतनी बड़ी रेंज लेकर के आइए कंपनी एक उड़न खटोला तैयार करेगी आपके लिए सब कुछ करती है हमारी कंपनी जब कोई रेंज लेकर के आती है पर उस पर बैठना हमको है उस उस वेव को राइड हमें करना है अगर इस कैटेगरी से अपने आपको भारी रखा तमाशबीन की तरह देखा तो तमाशबीन के तरह देखते रहोगे और दुनिया जिसको जो करना है वो करके आगे निकल जाएगी आप सोचोगे क्यों नहीं हुआ मैंने क्यों मैं क्यों नहीं कर पाया तो वो राइट एटीट्यूड इस नई कैटेगरी के लिए आपको सोचना है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल नई कैटेगरी है और मैं आपको बता दू ये ना एक एक अलग ही इसका चाम है अभी बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो कि छोटी मोटी चीजों में लगे हुए हैं उन लोगों को जब पता चलेगा ना लीडर्स मिलेंगे जो इस कैटेगरी पे काम करना चाहेंगे चमत्कारिक रूप से सरस गंगा जमुना सरस्वती हर चीज बहेगी मोदी केयर की तरफ बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी पर अगर आप खड़े नहीं हो तो कोई आपके पास नहीं आएगा और अगर आप भी उसी ना कहते हैं ना मैदान में उतरे तो हुए आएंगे इस इंडस्ट्री में इस कैटेगरी के, के कारण हमें बहुत इज्जत मिलने वाली है हमें बहुत लीडर्स मिलने वाले हैं हमें बहुत बिजनेस मिलने वाला है आज कोई भी किसी भी कंपनी में हो वो साइड बाय साइड चुपचाप चुप चाप मोदी कैटेगरी कर सकता है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है किसी के पास इस रेंज का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में तो आप बहुत आसानी से लोगों को लेकर के आ सकते हो इसलिए आपको स्पॉन्सरिंग के बारे में सीरियस होना है देन कम्स भैया जो एक ऐसा बिजनेस होता है ना जो कि रोटी कॉन्सेप्ट काम करता है मैं आपको समझाना समझाने की कोशिश करती हूँ कोई भी जो बिजनेस होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे चलता है कि भैया जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कितना आया बिजनेस ऐसे ही चलते हैं आर जिसको कहते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिला हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो चलता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड रोटी कॉन्सेप्ट हम पैसा तो हमें लगाना नहीं होता हमें टाइम लगाना होता है और हमने कितना टाइम लगाया उसका रिटर्न हमें क्या मिला उस पर डिपेंड करती है हमारी सक्सेस अब मैं आपको एक बात बता दूं किसी के पास अपॉइंटमेंट लेना किसी से ट्रेवल करके आधे घंटे दूर उससे मिलने जाना उसको जाकर के आधे एक घंटे में कोई एक प्रोडक्ट समझाना या एक रेंज समझाना वो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड समझाना हम एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं अब अगर आप किसी के पास जाते हो और खाली घी तेल की बात करके आते हो मैं ये नहीं कह रही कि घी तेल की बात नहीं करनी है पर एज ए बिजनेस पर्सन मैं आपको बता रही हूँ क्या डिफरेंस होता है हम अगर कहते हैं हाँ जी हमारे पास घी भी है तेल भी है हमारे पास शैम्पू भी है हमारे पास साबुन भी है और हमारे पास वेलनेस प्रोडक्ट भी हैं और फिर अगर हम वेलनेस के बारे में बात करते हैं जितनी देर किसी को एक टूथपेस्ट समझाने में लगती है उतनी देर किसी को वे प्रोटीन आइसोलेट समझाने में लगती है इससे जिसको टूथपेस्ट यूज करना है उसको टूथपेस्ट समझ में आएगा जिस व्यक्ति को इसकी नीड है उसको ये समझ में आएगा पर क्योंकि ये हाई बीबी प्रोडक्ट है इनपे आपको बीवी ज्यादा मिलता है कुछ लोग मेरे कहते हैं अरे मैम चालीस परसेंट बीवी आया चालीस परसेंट बीवी आया का क्या मतलब चार पांच हजार रुपए का मतलब बीवी एक प्रोडक्ट पे उतने ही टाइम में जो आप एक टूथपेस्ट समझाने के लिए जाते उतने ही टाइम में अगर आपको चार हजार बीवी किसी प्रोडक्ट पर मिल रहा है तो उसका चालीस परसेंट होना मायने नहीं रखता वो कितना बीवी बड़ा प्रोडक्ट है वो मायने रखता है तो क्योंकि ये रोटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये रेंज फिट बैठती है इसलिए भी ये आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाली है अभी आप देखिएगा बहुत सारे थाईलैंड आने वाले हैं बहुत सारे नए डायरेक्टर आने वाले हैं बहुत सारे नए आने वाले हैं बहुत आएंगी इस कैटेगरी को और पहले आपको जितना बीवी करने के लिए पच्चीस लोगों को एक्टिवेट करना पड़ता था यहाँ पांच लोग एक्टिवेट कर दिया आपका काम हो जाएगा आप ये सोचो अगर एक पीवी करने एक सौ पीवी करने वाले दस लोग आपकी टीम में आ गए तो वो डायरेक्टर हो जाता है जिस जिस भी व्यक्ति की टीम में आ गए तो अगर एक या दो प्रोडक्ट यूज करने वाली है कैटेगरी यूज करने वाले दस यूजर आप अपनी टीम में बना लोगे ना तो डायरेक्टर हो गया दस यूजर जिस टीम में बना लोगे ना वो डायरेक्टर टीम हो जाएगी तो यहाँ पे अचीवमेंट फास्टर फास्टर होंगे यहाँ पे डेफिनेटली आपके टीम की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है और जब कोई व्यक्ति ये प्रोडक्ट लेता है जब जो भी व्यक्ति आपसे वेल स्पोर्ट्स लेगा फिर वो आपसे नोनी भी लेगा फिर वो आपसे विटामिन सी भी लेगा आप जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस भी आपका बढ़ेगा अगर आप इस कैटेगरी को टाइम आपके टाइम का जो रिटर्न होता है वो ज्यादा मिलता है इस एक कारण से भी अगर उठाते हो तो यहाँ पे आप बहुत पूरी टीम आपकी बहुत प्रोडक्टिव हो जाने वाली है फिर एक और इस है ना कैटेगरी की खास बात है कोई भी कैटेगरी जब किसी एक्टिविटी के अराउंड बिल्ड की जाती है ना तो वो आसान होता है काम करना जैसे मैं आपको बताती हूँ मोदी केयर ग्लूकोजा मीन लेकर के आया कैल्शियम लेकर के आया और हम लोगों को खूब अच्छे से ट्रेनिंग दी गई यू विल नॉट बिलीव हमने एक एक प्रोडक्ट की फुल फुल डे वर्कशॉप अटेंड करी है ग्लूकोजा की हमने एक प्रोडक्ट की फुल डे वर्कशॉप अटेंड करी है अब आप कहोगे किसी कस्टमर से बात करने के लिए तो हमें फुल डे की नॉलेज नहीं चाहिए कस्टमर से बात करने के लिए फुल डे की नॉलेज नहीं चाहिए पर खुद से बात करने के लिए खुद के कन्विक्शन के लिए खुद को अंदर से उठाने के लिए ना फुल डे की नॉलेज बहुत कम आती है हमने सारा साइंस समझा मेरे को उसी वर्कशॉप में पता चला कि भैया हमें अगर किसी के नी खराब हो रहे हैं तो उनको क्या क्या बातें करनी है हमें खाली एक दो मिनट में एक ग्लूकोज अमीन की बातें नहीं करनी है हमें उनको बताना है कि भैया आपको प्रोटीन लेना है आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए जाकर के फिजियोथेरेपिस्ट से इस एरिया की एक्सरसाइज सीखिए और फिर प्रोटीन लीजिए आप एक तरफ प्रोटीन खाएंगे दूसरी तरफ उस फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसी एरिया की एक्सरसाइज बताएगा आप उस एरिया की एक्सरसाइज करेंगे तो आसपास की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी तो ये आपका अंदर का ज्वाइंट अगर थोड़ा वीक भी हो रहा है आसपास की मसल इसको सपोर्ट करेंगी नाउ इट्स अ बिग थिंग कि लोगों से बात क्या करना पीपल्स बिजनेस तो एक आपको मालूम है इट्स एन आठ लोगों से बात करना तो उसके लिए फुल डे वर्कशॉप जो है हमने उस प्रोडक्ट की अटेंड करी और आप जादू देखो अब मेरे को आप कोई भी मेरे सामने बैठा दो मैं आराम से मैं लगभग ना ना करते सत्तर एक हजार रुपए का है ना ग्लूकोजामीन बेच लेती हूँ कैल्शियम तो एंड ग्लूकोजामीन मिल करके मेरे पर्सनल कस्टमर सेट है तो आप ये देखो हमें फिर क्या किया जैसे ही हमें ग्लूकोजामीन और कैल्शियम मिला हमने बीएमडी कैम्प लगाए हम बारह सौ तेरह सौ अब तो पच्चीस सौ रुपए में मिलती है बारह सौ तेरह सौ रुपए के किराये पे एक बीएमडी मशीन आ जाती थी उसके साथ एक टेक्नीशियन आ जाता था हम किसी भी मंदिर में किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैंने फरीदाबाद में एक डाउनलाइन एन, बनाया एन, 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 एन में काम करते थे हस्बैंड वाइफ सिंपल हाउस थी हमने उनकी ज्वाइनिंग कराई फिर उनको तो है ना हमारी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कहने लगे मेरा मेरा मॉम सर्किल तो ऐसा ऐसा उन्होंने रीजंस दिए कहा कोई बात नहीं कोल्ड सर्किल में भी काम होता है तो कहने लगे क्या काम करना है मैंने कहा चलो मैं कल आपके एरिया में आ रही हूँ मैं उनके एरिया में गई मैंने कहा चलो मेरे साथ मार्केट चलो हम मार्केट गए मार्केट में एक फिजियोथेरेपी सेंटर था हमने उस फिजियोथेरेपी सेंटर मैं चलो अंदर चलते हैं हम अंदर गए हमने उनसे नमस्ते वमस्ते करी हमने बताया कि आपको कितना समय हुआ है कहने लगे अभी एक ही साल हुआ है हमने कहा आपको भी आपकी है ना प्रोपोगंडा तो चाहिए होगा आप चाहते हो आपका एडवर्टाइजमेंट हो कि हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं ऐसा है आप अपना बिजली का कनेक्शन हमें दे दो हम आपके यहाँ पे बी मशीन हमारी लगाएंगे और हम लीफलेट बांटेंगे हम पांच लीफलेट बांटेंगे हम बैनर बना करके लगाएंगे उसमें आपका एड्रेस और आपका नंबर देंगे आपका फायदा ये है कि आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा हमारा फायदा ये है कि दिन भर में सौ लोग बी कराने आएंगे वो हमारे है ना

कैटेगरी पे हम एक्टिविटीज बिल्ड कर सकते हैं तो हम बहुत सारे अच्छे लोगों को साइन अप कर सकते हैं और ये कैटेगरी एक्टिविटी बेस्ड कैटेगरी है इसमें हम कराड़ा कैंप लगा सकते हैं इसमें हम बीएमडी कैंप लगा सकते हैं इसमें हम अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं इसके बेसिस पे बहुत सारी होम मीटिंग्स कर सकते हैं हर कोई चाहता है फिट रहना तो जब आप फिटनेस से रिलेटेड इनवाइट भेजते हो आप जिम में है ना अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो आप जुम्बा सेशन जहाँ होते हैं वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो आजकल कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें आप जाओ तो वहां पे जुम्बा नहीं होता हो जुम्बा होता है हर एरिया में जुम्बा होता है हर एरिया में जिम जिम वाले हैं और जिम वालों को अगर जाकर के बोलोगे ना कि भाई हम आपके यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं हम एडवर्टाइज करेंगे आपका हम प्रोपोगंडा करेंगे हमारे लोग आएंगे आपका एडवर्टाइजमेंट होगा तुरंत आपको अवेयरनेस कैम्प करने के लिए जगह देंगे उनको क्या चाहिए उनको तो चाहिए कि लोग विजिबिलिटी उनकी बढ़े लोग देखें कि अच्छा यहाँ पे कोई जिम है तो एक्टिविटी ये प्रोडक्ट है इसलिए भी आपको इस कैटेगरी को सीरियसली लेना है और के लिए घुसना आता है फिर बात आती है कि आप यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी कैटेगरी जो यूथ को अट्रैक्ट करे बिलीव मी मैं कई बार सोचती हूँ जब मैं आईडीएस के प्रोग्राम में जाती हूँ और दूसरे दूसरे प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो दूसरी कंपनीज के जब लोग होते हैं ना बहुत यूथ होता है उनमें ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट रेड टाई पहन करके सबके सब, सब यूथ भरा पड़ा होता है मीटिंग्स में हमारे यहाँ यूथ की परसेंटेज अभी कम है और ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है कि हम इस कैटेगरी के, के थ्रू यूथ को लेकर के आए तो एक एनर्जी भी आएगी की एक कह सकते हो कि जिस जगह पे यूथ आ जाता है वहां सब कुछ आ जाता है तो ये यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी कैटेगरी इस है इसलिए हमें इस पॉन्सरिंग में ध्यान देना है लीड बाय एग्जाम्पल करना है आप बैठे बैठे जो है बिलीव मी अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे ना इस कैटेगरी से रिलेटेड आपके डाउनलाइन को आप मोटिवेट कर रहे हो रहे भैया बड़े अच्छे प्रोडक्ट आए हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है उसने एक सेंटेंस कह ना अरे नहीं नहीं महंगे बस आप भी कहोगे मारो बोली कौन सिर्फ दर्दी ले आप साइड कर दोगे और अगर आप खुद स्पॉन्सरिंग में घुसोगे आप जाओगे चार छह लोगों से बात करोगे अगेन लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है कोई आपको मना करेगा कोई आपको हाँ करेगा कोई कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट आएंगे फिर जब आपका डाउनलाइन आपको कहेगा बोलो अभी तो शुरू ही नहीं हुए अभी तो जमीन से निकले नहीं हो अभी हम होते कौन है इसको रिजेक्ट करने वाले अभी तो हम सीखने के मोड में है अभी तो सीखो और सीखो फील्ड में रहकर के सीखो लगातार एक दो तीन दस ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़े ना खाली एक प्रोडक्ट के प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए दस मीटिंग अटेंड करनी पड़े ना तो भी दस मीटिंग अटेंड करना दस ट्रेनिंग अटेंड करना वर्थ है ऐसी ये प्रोडक्ट रेंज है अगर आप लीड बाय बाग्जाम्पल करोगे आप खुद स्पॉन्सरिंग करके दिखाओगे आपका कोई एक नया डाउनलाइन जो इस प्रोडक्ट रेंज में काम करता है मीटिंग में आने जाने लगेगा ना तो जो एग्जिस्टिंग आपकी कैटेगरी है एग्जिस्टिंग आपका जो नेटवर्क है ना वो सबके सब उठ जाएंगे वो सबके सब इस कैटेगरी को सीरियसली लेने लगेंगे देखो कुल मिला के बात यह है कि जब कोई कैटेगरी लॉन्च होती है तो हमें एक कल्चर है जो कल्चर डेवलप करना होता है अब ये कैटेगरी आज तक की हमारी आम कैटेगरी जैसी नहीं है ये एक नई कैटेगरी है इस कल्चर इस नई कैटेगरी की कम्युनिटी इस नया कैटेगरी का कल्चर जो हमें बिल्ड करना है वो जब तक हम लीड बाय एग्जाम्पल नहीं करेंगे हम खुद सेल्फ यूज नहीं करने लगेंगे हम खुद अपनी वॉक करते हुए की फोटोग्राफी डालने लगेंगे हम खुद जब हमारे कितने स्टेप्स किए वो आज हम नहीं बताने लगेंगे लोगों को हम हमारे फिटनेस गोल नहीं लेंगे हम खुद जब तक अपने आपको हेल्थ इंडस्ट्री से नहीं जोड़ेंगे हम अपने नेटवर्क को हेल्थ इंडस्ट्री से जोड़ नहीं सकते तो इस इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए जो है वो लीड बाय एग्जांपल करना है आपको स्पॉन्सरिंग करनी है सेल्फ यूज के साथ शुरू करो स्पॉन्सरिंग पे आउट फास्टर अचीवमेंट पॉसिबल है इस कैटेगरी के साथ आइए चलिए मैं अनिल गावड़ी जी की एंड टीम की तैयार करीबी आपको एक पीपीटी दिखाना चाह रही हूँ जो कि बहुत आई ओपनिंग है और मेरे को तो ये बहुत गर्मी देती है मैंने देखो अभी मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने ना बीस पे ए कर दिया मुझे पता है जब मैं मीटिंग करूंगी मेरे को गर्मी चढ़ जानी है क्यों क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने जबरदस्त हैं चलो मैं आपको एक ये स्लाइड पढ़ करके बताती हूँ सात में से चार प्रोडक्ट का ये हमने एक पैकेज बनाया है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जो कि फिटनेस में है स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स कैटेगरी के प्रोडक्ट को जिसको हम यूज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं जिसकी नीड बिल्ड होती है ये चारों मतलब सातों ही प्रोडक्ट हैं पर कोई व्यक्ति सातों के साथ प्रोडक्ट नहीं लेगा जो प्रोटीन वे प्रोटीन परफॉर्मेंस वे प्रोटीन लेगा वो आइसोलेट नहीं लेगा जो आइसोलेट लेगा वो वो नहीं लेगा तो हमने चार प्रोडक्ट का एक पैकेज बनाया और हमने देखा कि चार प्रोडक्ट अगर हम किसी को लेने के लिए सिखा सकते हैं तो लगभग दो सौ हो जाता है एक कंज्यूमर आपको ट्रू ट्रू कंज्यूमर मिलेगा वो आपको 216 सौ सोलह दे करके जाएगा ये हमें बेसिक समझ में आया चार ही प्रोडक्ट से 216 सौ पीवी हो जाता है ये बड़ी सोचने समझने की बात है और मैं आपको एक बात बताऊं ये बात सोचना अरे ओहो कौन खरीदेगा तेरह रुपए का सामान मैं आपको एक बात बताती हूँ मैंने एक नेपाली को कुक रखा था ये बेंगलोर की बात है थोड़ा ठिकना था और मेरे पास ऊपर जिम था है ना जिमिंग करता था मेरे जिम को यूज करता था और है ना बहुत अच्छा खाना बनाता था हम बड़े खुश थे उसने मेरे से उधार लिया मैं उधार एडवांस देती नहीं हूं पर है ना उसने मेरे से उधार मांगा मैंने मना कर दिया क्योंकि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि मैं एडवांस नहीं देती हूँ दोस्तों वो काम छोड़ गया आपको पता है वो क्यों कुछ काम छोड़ गया उसने हाइट बढ़ाने का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाया था और उसको उस प्रोडक्ट का पेमेंट करने के लिए है ना वो पैसे चाहिए थे वो पैसे देने से मैंने मना कर दिया जब वो मेरे पास आया मैम मैं जा रहा हूं तो मैं सरप्राइज थी जा रहा है किस लिए जा रहा है आपको क्यों बता रही हूँ ऐसा नशा है ना जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है बढ़ानी है कुछ भी कर जाएगा जिसको बॉडी फिट करनी है फिट करनी है और ये कोई अब इतनी नई रेंज नहीं रह गई है कि हमें ये प्रूव करना है कि भैया इससे ये होता है ये प्रूवन है ऑलरेडी ये कैटेगरी ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स अपने रंग जमा चुके हैं लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता है इसके यूजर हैं हमें सिर्फ ये बताना है कि एक अच्छी क्वालिटी का जेन्यून प्रोडक्ट हमारी कंपनी लाई है और वो प्रोडक्ट लेकर के उन प्रोडक्ट के हाथ और पैर बनना है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है तो इट्स दो सौ सोलह पीवी करना या तेरह चौदह हजार रुपए का महीने का सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है और चलो कोई जना है ना ये खरीदेगा कोई जना वो खरीदेगा कोई जना ये खरीदेगा अगर आप फैसला कर लो कि भैया आप दो सौ करोगे इस रेंज का हर महीने कुछ प्रोडक्ट आप खुद काम में लोगे कुछ प्रोडक्ट आप एक दो कस्टमर बना के उनको सेल करोगे अगर हम कोई भी जना जो जिंदगी में सफलता पाना चाहता है ना वो दो पीवी का अगर कमिटमेंट ले ले खाली पार्ट टाइमर भी होना खाली चार भी काम करे ना तो भी ये काम ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ये किया जा सकता है आप करते हो तो क्या होता है पावर ऑफ टू पीवी विद मैं आपको वेल कैटेगरी स्पोर्ट्स रेंज के साथ अगर बताऊं अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कुछ एजम्सन ले रहे हैं कि आपको आप सेल्फ यूज कर रहे हो आप सेल कर रहे हो 200 सौ हर महीने अपना कर रहे हो वेल स्पोर्ट्स कैटेगरी के साथ यानी कि आप जो है 1200 लिखा है इस पर एक जीरो लगा दो बारह हजार रुपए के प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज आप हर महीने खरीद रहे हो एक व्यक्ति को हर महीने स्पॉन्सर कर रहे हो सिर्फ एक व्यक्ति को हम आपसे ये नहीं कह रहे आप दो करो तीन करो चार करो एक व्यक्ति को हर महीने स्पॉन्सर कर रहे हो यानी कि सही काम सीख करके इस गेम का खिलाड़ी बन करके काम पे लग रहे हो लॉय एवरेज वर्क करेगा किसी महीने दो होगा हो हो, किसी महीने एक होगा हो हो, पर ऑन एन एवरेज अगर एक व्यक्ति को आप बनाते हो और यही काम आप जिस किसी को इस बिजनेस में लाते हो उनको सिखाते हो और पावर ऑफ डुप्लीकेशन अगर मल्टीप्लीकेशन आपके लिए काम करता है तो देखो क्या होता है पहले महीने आप थे आपने एक व्यक्ति का साइन अप किया चार सौ बी हुआ दस हजार आठ सौ बी हुआ एक हजार अस्सी प्लस का चेक आया मैंने बिल्कुल मिनिमम लिया है इससे ज्यादा का ही चेक आएगा कम का चेक नहीं आएगा एक हजार अस्सी रुपए का चेक आया सेकंड मंथ आप दो लोग थे दोनों एक एक बनाया चार हो गए बाईस सौ रुपए का चेक आया थर्ड मंथ अब आप ये देखो बाईस सौ रुपए का सेकेंड मंथ चेक आएगा और आपको बाईस सौ ही ऑब्जेक्शन मिल चुके होंगे लोग कह चुके कह चुके होंगे आपसे ये नहीं चलेगा ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा पर आपको पता होना चाहिए कि भैया बाहर की कैटेगरी जहां लोग डायरेक्ट सेल करते हैं वहां आज मेहनत करी आज रिजल्ट मिले it, कल फिर मेहनत करनी है हमारे यहाँ हम आज मेहनत करेंगे आप मान लो आपको मेरे को जैसे एक व्यक्ति से मैंने बात करी कहने लगा नहीं मैम हमारे यहाँ तो 50 परसेंट पे मिल जाता है हमें प्रोडक्ट साठ परसेंट पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है आपके प्रोडक्ट में तो वो मार्जिन नहीं है उसने मुझे क्लियरली ये बात बोली फिर मैंने उससे पूछा मैंने कहा भैया अच्छा ये बता मोटर बाइक पे आता है कार भी नहीं खरीदी अभी मैंने पूछा ये बता इस प्रोडक्ट के थ्रू जितना भी तेरा क्लाइंट बेस है कितने लोगों को है ना वो तू कितना कमा लेता है बारह तेरह हजार रुपया कमा लेता हूँ मैंने कहा बस क्यों क्योंकि तू बीस पीस बेच सकता है पच्चीस पीस पीस बेच सकता है पचास पीस बेच सकता है पांच सौ तो नहीं बेच सकता दो घंटे काम कर सकता है बीस घंटे तो नहीं कर सकता कहने लगा नहीं कर सकता मेरे कहा अगर पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन काम करेगी तेरे को एक काम सीखा सिखाया है तेरे को इस कैटेगरी पे बात करनी आती है तेरी एक अपनी ऑथोरिटी है तू लोगों को सिखाएगा तेरा नेटवर्क बनेगा बीस लोगों का भी तेरा नेटवर्क बन गया दो दो घंटे उन्होंने काम किया तो चालीस घंटे काम होता है फिर मैंने उसको पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन सिखाई कि सेवन्थ मंथ एक लाख रुपए का चेक हो जाएगा कहां बैठा है अभी तू बीस हजार कमाता है नौ हजार पांच सौ रुपए पांच हजार पांच सौ रुपए मायने इसी ढंग से पावर ऑफ तो रुपए का चेक आ जाएगा और चलो नहीं इतना होता नहीं है इसका टेन परसेंट भी लेंगे तो साल भर में दो लाख रुपए का चेक आ जाएगा तू बता कब तक तेरा शरीर है कब तक तू शरीर के साथ भाग भाग करके ना लोगों को जुम्बा और जिम कराता रहेगा कहने लगा हाँ मैम ये बात तो है उसकी जॉइनिंग आई तो आप इस बात को समझो कि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज है अगर आज ये जो अठारह करोड़ की रेंज मार्केट में अवेलेबल है वो इस पावर के साथ अवेलेबल नहीं है हर कोई मेहनत कर रहा है एक्टिव इनकम कमा रहा है बेचा खाया बेचा खाया किसी के पास फ्रेंचाइज देने का तरीका नहीं है अभी एक जम्वाल इसमें मैम मिली क्या लगा मैम हाँ चीज तो अच्छी लग रही है क्या करूं मैं इनका डीपी खोल दू अगर आज इतनी अच्छी कैटेगरी में तेरी पकड़ है तो जिम तो तेरा है ही जिम के पास में तू डीपी खोल ले डीपी खोलेगा तो देख उस हम अपनी वेबसाइट पे उसको प्रमोट करेंगे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको प्रमोट करेंगे यहाँ करोगे हम अपने काम करेगी क्या लगी हाँ मैडम मुझे एक महीने का टाइम दो मैं डीपी खोल करके दिखाता हूँ आपको तो जिसको जो समझ में आए पर हमें हम इस कैटेगरी में जो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का जादू है उसको भूलना नहीं है वो बिल्कुल नई चीजें कैटेगरी अठारह करोड़ की मार्केट में इंडिया में अवेलेबल है पर उट दिस पावर अवेलेबल है अब इस पावर को जब हम समझाएंगे तो ये कैटेगरी अपना अलग ही रंग लेने वाली है इसके लिए जब तक आप स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है इसलिए बात की जाए करेंट एंड यूजर से बात करूं देखो मेरे पास अभी ये कॉल आया मेरे डाउनलाइन का मैम ऐसे ऐसे में सुबह से जब से कैटेगरी आई है रोज जाकर के तीन जिम वालों से मिल रही हूँ और मैम एक भी जिम वाला रेडी नहीं हुआ ऐसे भी आ रहे हैं हमारे पास ऐसा भी रिस्पॉन्स आया कि मैम एक भी बंदा राजी नहीं हुआ वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमें तो पचास साठ परसेंट में मिल जाता है ऐसा है वैसा है फिर मैंने उसको मामला समझाया मैंने कहा देखो भैया देर आर टू काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं जब से कैटेगरी आई है हमको सबको एक शॉर्टकट समझ में आ रहा है कि लाओ चलो जिम ओनर से बात करते हैं जिम ट्रेनर से बात करते हैं हम सब ये सोचते हैं कि बस सीधे से जिम जिम ट्रेनर के पास जाएंगे फिर जिम ट्रेनर समझ जाएगा जिम ट्रेनर तो पहले महीने डायरेक्टर हो जाएगा मेरा काम हो गया भैया मैं प्लेटिनम बनना चाहता हूँ एक कम पड़ रहा है मेरा तो काम हो गया हम सीधे उठ करके खाली जिम ट्रेनर जिम ओनर के पास जा रहे हैं वो भी करना है बट क्या हो कि अगर हम एंड यूजर को टच करें क्योंकि देखो दो तरीके के एक है ब्रांडेड जिम एक है नॉर्मल जिम जो ब्रांडेड जिम है वहां पे उनका ऑलरेडी किसी ना किसी ब्रांड के साथ टाइप है वो लोग उसी ब्रांड के बारे में बात कर सकते हैं जो लोकल जिम है जो छोटे जिम है वो लोग किसी भी कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं हम अवेयरनेस प्रोग्राम की बात कर सकते हैं हम सीधे उनको कहने की बजाय कि जी आप बेचो आप ये करो आपको करो हम अगेन नेटवर्क मार्केटिंग के रस्ते से चलें कि भैया हमारे पास ये प्रोडक्ट है हम इसके अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं हम आपके जिम में जो लोग आएंगे उनको अवेयर करेंगे फिर जो ज्वाइन ज्वाइन होगा उसको आपके नीचे करा देंगे हम क्यों नहीं उनको सीधे नेटवर्क मार्केटिंग के उसको लेकर के आए हम उनसे सीधे सेल की बात करते हैं क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हमारे को हमारे लेवल के लिए दस बीवी कम पड़ रहा है ये बंदा दस बीवी सेल कर ले तो हमारा लेवल अचीव हो जाएगा वो नहीं करना है हमें लोगों से उनके जिम में अवेयरनेस प्रोग्राम हम करेंगे जिससे जो व्यक्ति सही आ रहा है उसके पास एक जिम है उसके पास एक कोई जगह है जहां वो आपसे आपको खड़ा करके चार एंड यूजर को खड़ा कर सकता है क्यों नहीं हम एंड यूजर को सीधे बात करें क्यों नहीं आप अपनी बिल्डिंग की हाउस वाइफ को आपकी फ्रेंड को कॉल करो कि भैया मैंने देखा है भैया रोज सुबह सुबह जिम जाते हैं पर जिम चले तो जाते हैं वो जाके एक्सरसाइज तो कर लेते हैं उनकी मसल टियर तो होती होगी पर मसल टाइम से रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है वो पता है। चले वो रोज मैं जिम में देखती हूँ उनको वो मसल रिपेयर हो उससे पहले फिर से उस मसल को तोड़ रहे होते हैं तो कोई फायदे की बजाय जिम का नुकसान तो नहीं हो रहा हमें मसल रिकवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आऊं जरा तुमसे बात करूं आप क्यों नहीं वो उस मदर के पास जाकर के बात कर सकती है उस वाइफ के पास जाकर के बात कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रेनर है जिम ओनर है या जिम का पर्सनल ट्रेनर है वो भी किसी न किसी एंड यूजर तक ही तो जा रहा है तो हम शॉर्टकट क्यों ले रहे हैं हम एंड यूजर के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? हम सबको सबसे पहला काम ये करना है जो भी कोई एंड यूजर है फिर चाहे वो साइकिलिस्ट हो चाहे वो जुम्बा वाला हो चाहे वो डांस हो चाहे वो रनर हो चाहे वो योगा करते हो चाहे वो जिम जाते हो चाहे वो किसी भी है ना ब्रेस वॉकिंग करते हो आपको अगर बाहर आपकी बिल्डिंग के आसपास कोई तेजी से वॉक करता दिखाई देता है तो वो एंड यूजर है इस प्रोडक्ट का अब वो करंट अगर वो भी यूज कर रहा है तो वो करंट यूजर है अगर वो नहीं कर रहा है तो वो आपका फ्यूचर एंड यूजर है तो सबसे पहले जो है हमें वो किसी ना किसी करंट एंड यूजर या फ्यूचर एंड यूजर को संभालना है उनसे जाकर के बात करनी है शॉर्टकट नहीं लोगे ना आपको ये काम बहुत आसान लगेगा फिर आपसे कोई नहीं कहेगा जब आ, अब एंड यूजर की तरफ से सोचो आज अगर जो करंट एंड यूजर है वो किसी जिम में जाता है उसको कोई पर्सनल ट्रेनर बताता है अब ज्यादातर ये जो छोटे वाले जिम वाले होते हैं ना ये बता देते हैं प्रोडक्ट ये देते नहीं है ये रिस्क नहीं लेते हैं आपको पता है छोटे जिम वाले जो किसी ब्रांड से टाई अप नहीं करते वो अपने यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखते क्यों नहीं रखते क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उनमें है ना डुप्लीकेसी हो रही है नकली प्रोडक्ट आ रहा है कल को उनके जिम में कोई नकली प्रोडक्ट पकड़ा गया कुछ हुआ जिम बंद हो जाएगा जेल अलग चले जाएंगे तो ये लोग किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते हैं पर ये रिकमेंड करते हैं सेल नहीं करते ये कह देते हैं कि अच्छा जाकर के ये प्रोडक्ट ले लो फिर वो बंदा खुद जाके किसी ना किसी जगह पे ढूंढ करके और उस प्रोडक्ट को खरीद करके लेकर के आता है जब आप बताओगे कि आपके पास डायरेक्ट जहां कोई नकली प्रोडक्ट बीच में बनने का कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि बीच में मिडल मैन ही नहीं है डायरेक्ट आपको कंपनी से सामान मिलेगा जब ये आप बताते हो ना और आपके पास कंपनी की बैकिंग है आप आराम से शान से जाकर के बता सकते हो कि हाँ जी हम इन प्रोडक्ट में डील करते हैं असली इन प्रोडक्ट में डील करते हैं और इस इस कारण से हम असली हैं और फिर सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रहे हो आज ये देखो ये जो प्रोडक्ट है ना ये तुरंत रिजल्ट देते हैं अभी हमारी इवेंट में एक बंदे आए हुए थे कहने लगे मुझे एक हफ्ता हुआ है बीसीए लिए

तो जब इतना बड़ा हथियार हमारे को कंपनी ने दे रखा है तो हम क्यों नहीं गारंटी को यूज कर सकते तो आपको क्या करना है आपको फ्यूचर एंड यूजर के पास जाना है आपको पर्सनल जिम ट्रेनर के पास जाना है जो छोटे 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 ये ना जिम है ना उनके पास जाओ पर्सनल जिम ट्रेनर्स के पास जाओ और उनको एम एम समझाओ उनको नेटवर्क मार्केटिंग समझाओ उनको बड़ी पिक्चर दिखाओ वो पांच हजार रुपए का रिटेल प्रॉफिट दिखाने की बजाय बड़ी पिक्चर दिखाओ जुम्बा ट्रेनर के पास जाओ मैराथन रनर्स के पास जाओ स्पोर्ट्स पर्सन के पास जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं मसल स्ट्रॉन्ग कराने के लिए तो मैगज मैगजिम काम कर रहे होते हैं जॉइंट्स मोबिलाइज करा रहे होते हैं मसल स्ट्रॉन्ग करा रहे होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बिल्कुल एक नई कैटेगरी है और लोग उनके सुनते भी हैं तो जब कोई फिजियोथेरेपिस्ट किसी को बताएगा कि भैया ये प्रोडक्ट साथ में काम में लो इट विल वर्क हैवी ट्रेवलर जो है ये एक नई कैटेगरी है आप एयरपोर्ट पे जाते हो ये जो भीड़ लगी होती है किनकी लगी होती है जो कि डेली सुबह जाते हैं शाम को आते हैं अपने ऑफिस के टारगेट से टूर कर रहे होते हैं ऑफिशियल टूर ये लोग सुबह जाते हैं अगले दिन शाम को आते हैं होटलों में ठहरते हैं वहां पे जिम यूज करते हैं खाने पीने का कुछ पता नहीं होता प्रोटीन का कुछ पता नहीं होता आप जब ऐसे लोगों को ढूंढोगे ढंग की कैटेगरी ला पाओगे मोदी केयर में ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है स्टूडेंट्स को लेकर क्या हो जो कि सत्रह अठारह साल के स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉडी बनाना चाहते हैं जो जिमिंग कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में आपको किसी जिम में जाने की फुर्सत नहीं आप लोधी गार्डन चले जाओ वहां आपको इतने लोग मिल जाएंगे इस इस चीज के लिए जो कि हाँ इसमें इंटरेस्ट लेंगे पर हाँ वो खुद सीखो वो चार प्रोनाउंसिएशन तो सीखने होंगे आपको कि भैया इस हर एक कैटेगरी का अपना एक खेल होता है उसका उतना तो मालिक बनना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी तो हमें सीखनी होगी हाउस वाइफ के पास जाओ साइकिलिस्ट के पास जाओ स्विमर्स के पास जाओ बहुत सारे लोग हैं जो घूम में आते हैं जिनको आपको टचबेस करना है फिर आता है हाउ हाउ का कुछ सिंपल फंडा बताती हूँ शॉर्टकट लेना नहीं है हमें मैं भी आपको एक स्क्रिप्ट दे रही हूँ ही मीटिंग खत्म होगी मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों को स्क्रिप्ट भेजूंगी वो पांच मिनट की जो ना राहुल शंकर जी की वीडियो है उस वीडियो को रचना भार्गव जी ने स्क्रिप्टाइज कर दिया है आपको उस पांच मिनट की स्क्रिप्ट का बस रट्टा लगा लेना है टू तो स्टार्ट में काफी तो है आप जाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों से उस बारे में बात करो लोग बात कर रहे हैं पर जैसे ही एक दो लोग ना दे देते हैं ना बस हमारी टाइम टाइम हो जाती है वो टाइम टाइम नहीं करनी है बस बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो तो बहुत जरूरी है कि आप है ना नॉलेज लो उतना रटो जितना जरूरी है और फिर जाओ घुसो दस ट्रेनिंग भी अटेंड करनी शरद जी की ट्रेनिंग में कम से कम दस बार वो वीडियो देख चुकी हूँ तो मेरी डायरी दिखाती हूँ आपको मैं ऐसे लिख करके कर रखती हूँ मुझे ली पहले बोलती थी क्रिटनाइन बोलती थी बीसी वो क्रिकेट के उससे ना बीसीए -ए मेरे को रटने में टाइम लगा मैं बीसी अरे बाबा बीसी क्रिकेट से रिलेटेड है ये बीसीए है टाइम लगा उतना सा समझने में याद करने में पर कोई बात नहीं नई चीज है कर तो रहे हम अपने सपनों पर बैठ के दलिया तो नहीं तल रहे हम अपने सपनों के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं मेहनत करो तो राइट right नॉलेज के साथ बेसिक करो स्पॉन्सरिंग करो लिस्ट बनाओ अपने एरिया के जिन जिन लोगों को आप टच करोगे उनकी लिस्ट बनाओ जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने आज तक आपको ना दिए उन तक भी जाओ अब जैसे मैं मेरी एक भाभी है उनके तीन लड़के हैं वो भाभी मेरे से एक स्पिक एंड स्पान बस एक प्रोडक्ट लेती है सालों से लेती आई है आज मैंने भाभी को कॉल किया भाभी ऐसे ऐसे करण रौनक ऋषभ तीनों जने जम जाते हैं और ये प्रोडक्ट आया है ऐसा है ऐसा है मैं आपको जो है इसकी डिटेल भेज रही हूँ भाभी ये शाम को उनको दिखाना मैं कल बात करूंगी मैंने भाभी को कॉल किया हम खुद नहीं करेंगे बेसिक हम नहीं करेंगे तो जब तक बेसिक नहीं करोगे वो गर्मी नहीं चढ़ेगी बाकी तो छोड़ो ज्वाइनिंग नहीं होगी ये नहीं होगी छोड़ दो गर्मी नहीं चढ़ेगी गर्मी चढ़ाने के लिए खुद बात करना जरूरी है बी मैड मैड का क्या मतलब है मैसेव एक्शन डेली मैसेव एक्शन का मतलब ये तो नहीं कि आप चौबीस घंटे में से छब्बीस घंटे काम करो आप काम करो और अपने लोगों को मैंने क्यों तुरंत ये मीटिंग रखी कि जो जो मैं काम कर रही हूँ सबको बताऊं मैं ये कर रही हूं मैं ये कर रही हूँ मैं कर रही रू आप भी करो और सबको बताओ मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ तो मैडम मैसेव एक्शन डेली तब होगा जब जो हम कर रहे हैं वो कुछ लोगों को सिखा पाए अब इस कैटेगरी में मैं भी नाक लेकर घुसने वाली हूँ जैसे ऑटो घुसती है ना छोटी सी नाक लेकर घुस जाती है और फिर पूरी जगह बना लेती है ऐसे हम सबको इस कैटेगरी में घुसना है जिससे कि हम अपनी जगह बना सके बिल्ड एक्टिविटी अराउंड एक्टिविटीज बिल्ड करो इसके चारों ओर अवेयरनेस कैंप करने लगो uh, जिम में जाने लगो मैं जैसे जो भी अभी आप लोगों को जो भी आइडियाज दे रही हूँ किसी भी एक्टिविटी को पकड़ लो जो आपको पसंद आए उसको पकड़ लो आप अपनी किटी में बात कर सकते हो कि जी किटी में क्या बात करें किटी कि में पूछो कि भैया आप है ना आपकी फैमिली में कोई है क्या जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो मसल बिल्ड करते हैं जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं बेटर रिजल्ट लाना चाहते हैं हमारे पास बिल्कुल जेन्यून जहां नकली प्रोडक्ट होने का कोई डर ही नहीं है वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ अवेलेबल है अगर आप में से कोई एंड यूजर है तो बताओ हर जगह मुंह खोल करके ये बात करने में क्या जाता है कुछ नहीं जाता है कोई ना कोई हाँ भरेगा कोई ना कोई हाँ नहीं भरेगा हमारा काम ऐसे निकल पड़ेगा बिल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम जिम वाले आपको ना जब उनका जिम बंद होने लगता है ना उस समय बुलाएंगे देखना कि हमारा जिम हम साढ़े नौ बजे बंद करते हैं आप इतने बजे आ जाइए दोपहर में हम डेढ़ बजे बंद करते हैं आधे घंटे के लिए आप सवा बजे आ जाइए पंद्रह मिनट आपको देंगे वो पंद्रह मिनट जब मिलेगा तब बैठ कर तैयारी नहीं होगी वो मिले तो उस में बोलना क्या है वो तैयारी अभी करनी है ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करो अपनी टीम के लिए टीटी -टी, टी करो पंद्रह मिनट अपनी टीम में इस रेंज के बारे में जितने ज्यादा लोगों को बोलना सिखा दोगे ना उतना ही उनको जब मौका मिलेगा तो फिर वो चौके चके लगाएंगे आपने गाना सुना है ना मैं हमेशा लगता है धाकड़ का कि भैया जब तैयारी का जब किस्मत जीत का मौका देती है ना तो तैयारी का मौका कम देती है तो तैयारी पहले से ही करके रखो ना एक्टिविटीज अराउंड बिल्ड करो लोगों को अपने ऑफिस ले जाने लगो भी शुरू में खुद बात करनी नहीं आती ऑफिस ले जाने लगो ऑफिस ले जाने लगो शरद जी की मीटिंग शेयर करने लगो राहुल शंकर जी की वीडियो शेयर करने लगो आप आजकल सब अचीवर डाल रहे हैं फिट टू फैट फिर आपके लीडर्स ले रहे हैं उनकी कोई, कोई 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 वीडियो आ रही है वो वीडियो शेयर करने लगो होम मीटिंग्स बेस्ट है मैं आपको बता रही हूँ सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है होम मीटिंग अगर आप ब्यूटिफुल बॉडी वर्कशॉप खाली ब्यूटिफुल बॉडी वर्कशॉप डालोगे ना किसी को नहीं पता है मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं कोई ना कोई आ जाएगा फिर वहां पे आप ब्यूटीफुल बॉडी वर्कशॉप में आप लेडीज लेडीजें सबके लिए क्या क्या चीजें ठीक है, है आपके पास वेलनेस के प्रोडक्ट की तो कमी नहीं है मल्टीविटामिन से लेकर के आप वे प्रोटीन तक की बात कर सकते हो तो आप जो है होम मीटिंग्स जो है इसके अराउंड बिल्ड करो पंद्रह बीस मिनट पच्चीस मिनट इनके बारे में बात करने की फिर साइनअ स्पॉन्सरिंग और मोदी के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने की होम मीटिंग की जो थीम होती है वो इस रेंज को थीम की तरह यूज करो ये मेरा कहने का मतलब है होम मीटिंग्स ग्रुप में बढ़ा दो क्योंकि वहां से आपको खूब प्रेजेंटर मिलेंगे वहां से आपको नए लोग मिलेंगे वहीं पे आपको एंड यूजर मिलेंगे वहीं से आपको आपके फ्यूचर लीडर मिलेंगे तो होम मीटिंग आप लोग बढ़ा दीजिए डोंट टेक एम आउट ऑफ इट जब हमें कोई ऐसी बड़ी रेंज मिलती है ना हम सीधे सोचते हैं चलो सेल पे निकल पड़ते हैं सेल सबको करना है 200 सौ पीवी का टारगेट लेकर के चलो पर साइड बाय साइड इसके साइन अप करके लोग बढ़ाने हैं इस एमएलएम को पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ना इसको कभी इग्नोर नहीं करना जिस किसी से, से भी बात करो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे जरूर से बात करना प्रिपेयर वेल टीच वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करो टीच करो बेसिक टर्मिनोलॉजी लर्न करो बेसिक प्रेजेंटेशन लोगों की क्वायरी बहुत ज्यादा क्वेरी नहीं आती है मैम ये पहले ले सकते हैं क्या ये बच्चों को दे सकते हैं क्या ये किस एज से दे सकते हैं डायबिटीज वाले को ये दे सकते हैं क्या थायराइड वाले को ये दे सकते हैं क्या ऐसे पच्चीस तीस क्वेश्चन है जो आजकल जितनी भी मीटिंग्स हो रही है सब में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रही है आप शरद जी का जो हमने लीपर प्रेजेंटेशन कराया था वो देख सकते हो आप किसी भी ऑफिस की किसी भी मीटिंग में जाकर के अटेंड कर सकते हो लगातार एसपीबीएम इस पे लगभग डेली मीटिंग कर रहा है हमने हम क्या करते हैं वापस लिंक आता है हम फॉरवर्ड कर देते हैं मैंने तो देख लिया

जो है ये हम तो एक यूएस की ब्रांड काम में लेते हैं हम ये इस शिफ्ट क्यों करें भैया वो सच बात है वो तो ब्रांड काम में लेते ही हैं वो क्यों इंडिया पे शिफ्ट करें मैंने सिंपल सा ये बोला मैंने कहा भैया देखो वैसे तो एक की प्रोडक्ट अच्छा होता है पर अब यूएस से कितने लोगों के कितने है ना मिडल मैन के थ्रू आपके पास आता है इसका हमें आइडिया नहीं है हमारी कंपनी तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट जर्मनी से मंगाती है ये प्रोडक्ट यूएस से आता है ये प्रोडक्ट चाइना से आता है और डायरेक्ट बस पैक करके हमारी कंपनी हमें दे देती है बीच में कोई मिडल मैन नहीं है तो नकली होने की कोई गुंजाइश नहीं है और आप देख लीजिए जो यूएसए का प्रोडक्ट है उसके कंपेरिजन में हमारे सारे के सारे थ्योरी तो हमारे लेवल पे लिखी हुई है सारी ठीक है ही और फिर अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मुझे बीस दिन में वापस कर दीजिएगा हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्शन गारंटी है वॉट

नहीं तो किसी की भी कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी ताली बजाओगे हमारे लिए और घर चले जाओगे तो हम इन्वॉल्व हो रहे हैं आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो ये बहुत जरूरी है सेट एंड कीप गोल्स इन माइंड जब तक आप अपना गोल नहीं रखोगे ना तब तक कितनी भी नॉलेज कितनी भी होम मीटिंग अंग नहीं लगता मेरा ये कहना है जब तक हम मंथ गोल नहीं बनाते ना कि भैया जैसे मैंने गोल बनाया है मेरा फर्स्ट गोल है मुझे इस कैटेगरी से एक टीबी चाहिए पहला गोल दो सौ पीबी मैं हर महीने करूंगी इस कैटेगरी से और मुझे अर्लीस्ट अगले दो से तीन महीने ज्यादा ज्यादा चार महीने में मुझे एक टीबीडी लैग चाहिए क्यों क्योंकि मुझे मैं हमेशा से कह रही हूँ कि भैया अगर छह लेग मांगी है तो मुझे तो सात लेख पे काम करना है तो जो मेरी सातवी लैग है वो मैं इस रेंज से बना रही हूँ और बनाई जा सकती है और मैं बना के दिखाने वाली हूँ आप देखोगे कि है ना गोल ले लेने का छोटा बड़ा कोई भी गोल लो वो आपकी मर्जी है जो गोल आपको गर्म करे जो गोल आपको आपकी सीट से उठाए ना ऐसा गोल लेना है पर सबसे पहले एक गोल अपने माइंड में रखो फिर एक्शन करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे आप सोचो कि भैया मुझे इस रेंज से लाख रुपया महीना कमाना है मुझे इस रेंज से थार खरीदनी है आप कुछ गोल लेकर के बैठोगे तो कायनात भी तो तभी मदद करती है जब हम कोई गोल लेते हैं मेंटली आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि बेस्ट शॉट दोगे मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आए अभी अभी रेंज लॉन्च हुए पंद्रह दिन नहीं हुए लोगों ने इसको साइड कर दिया लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया अरे नहीं नहीं ये हमारी नहीं है ये तो भैया स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वालों के लिए है जिम विम वालों के लिए इसका स्पोर्ट्स इस नाम हमारा नुकसान कर जाएगा ये खाली स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए नहीं है ये अगर कोई ब्रेस वॉक कर रहा है उसके लिए भी है ये कोई जुम्बा कर रहा है उसके लिए भी है कोई डांस कर रहा है उसके लिए भी है ये कोई खाली वेट लॉस करना चाह रहा है उसके लिए भी है प्रोडक्ट सीखोगे तो पता चलेगा किस चीज के लिए क्या प्रोडक्ट है पर सबके लिए प्रोडक्ट है अभी मोदी के क्योंकि हम लोग वेट लॉस भी प्रोडक्ट लाने वाले हैं बहुत जल्दी इसलिए वेट लॉस को बहुत ज्यादा इस पे हाईलाइट नहीं कर रहे नहीं तो ये प्रोडक्ट को यूज करके बहुत अच्छा वेट लॉस भी हो सकता है आप जब सातों प्रोडक्ट सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी वेट लॉस प्रोडक्ट भी इसी में आ चुका है उठाने वाली बात है तो मेंटली प्रिपेयर कीजिए फोल्डर बनाइए डिस्प्ले बैग बनाइए देखिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ हमारी पवित्रा बराडकर जी हैं उनका फोल्डर है उन्होंने जो पीपीटी है उससे फोल्डर बना दिया एक अपना डेमो बैग तैयार कर लिया डिस्प्ले बैग जहां भी जा रही है दिन में रोज तीन लोगों से वो मिल रही है, है ना इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और किसी दिन आती है बहुत खुश होती है किसी दिन आती है बहुत दुखी होती है बट बिलीव मी दो से तीन महीने में नई इस खेल की बड़ी खिलाड़ी बन गई और नई इस खेल से बहुत बड़ा जंप लिया तो सुरेखा बारो का नाम बदल देना पर भी देने वाली में गोड़ -गोड़ के अपने घंटे बैठिए सबके सब, सब लोग उस रेंज को पहले याद करिए फिर उस रेंज को बोल करके सुनाइये दो दो तीन तीन चार चार, चार पांच, पांच पांच दस दस, दस जितने लोग आपके घर में बैठ सकते हैं उतने लोगों को बुला बुला करके ये घुट्टी में घोट घोट करके इस कैटेगरी को पिलाने में फैलाने का काम कीजिए इसीलिए रचना भार्गव जी ने स्क्रिप्ट तैयार कर दिए आप उस पर काम कीजिए लोग काम कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए पर आपको आपकी मदद सबसे बड़ी करनी होगी जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे तब तक आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा अब बात आती है वॉट टू टॉक क्या बात करनी है टॉक अबाउट नीड मैंने फिर कहा हम हर हफ्ते काम करेंगे इस पे बट आपको जो है वेट नहीं करना है कि पहले मैं सब कुछ सीख लूंगा फिर फील्ड पे उतरूंगा इस कैटेगरी में अभी हम सब अनाड़ी हैं और हम सबको फील्ड सिखाएगा तो आपको जरूरत क्या है कि पहले सुरेखा भार्गव आगे जाए और आप पीछे पीछे आओगे आप क्यों नहीं आगे जा सकते क्यूं? मैंने तो अभी नहीं है ना फोल्डर बनाया था पवित्रा जी ने फोल्डर पहले बनाया अनिल गावड़े जी ने कैलकुलेशन पहले बनाई तो देख लो फिर वही लीडर कहलाते तो आपको भी इंतजार नहीं करना है हम सब सिखाएंगे बट आपको जाके नीड बिल्ड करना सीखना है और एक बात बता दू इस कैटेगरी की नीड ऑलरेडी बिल्ड है पहले उन्ही लोगों को टच कर लो जो लोग ऑलरेडी इन प्रोडक्ट को काम में लेते हैं ठीक है कोई आपसे कहेगा अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट रखा है ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा फिर लूंगा पर कोई बात नहीं फिर वो वो आपकी पाइपलाइन में लोग आ जाएंगे फिर आप उनको साइन अप करो उनको बोलो भैया प्रोडक्ट तुम्हारा बाद में खत्म होगा पर ये प्रोडक्ट के साथ साथ हेल्थ के साथ साथ वेल, वेल्थ कैसे बनेगी ये मैं तुम्हें बताता हूँ अभी ज्वाइन करो और कैसे तुम इस प्रोडक्ट के थ्रू है ना वेल्थ कमा सकते हो वो मैं सिखाता हूँ और कैसे इन प्रोडक्ट को बेस्ट रेट पे पा सकते हो तुम्हारा ट्रेनर जो तुम्हें रिकमेंड करता था वो पचास कमाता था तुम साठ कमाओगे तो आप नीड जनरेट करना सीखो जो बनी बनाइए पर उस नीड के बारे में बात करना सीखो क्वालिटी के बारे में बात करो मोदी के ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बनाया मंगाया है मैं आपको बता दू अगर आज मान लो कोई यूएसए की एक कंपनी है वो उसके मान लो दस प्रोडक्ट है जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन दस में से दो ही प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट है

प्रोडक्ट रिटर्न करने का टाइम आता है ना उससे पहले पहले बंदे को रिजल्ट मिल जाता है जिसको प्रोडक्ट दो उसको लगातार मोटिवेट करो कि भैया एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक वो कल्चर डेवलप करो कि हाँ लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं खुद भी बदलोगे खुद भी फिट होगे और दुनिया को भी फिट करने में मौका दोगे और लगातार अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना नहीं भूलो फिर फाइनली लास्ट में आता है मोमेंटम क्रिएट करो अब ये कैटेगरी आई है हमें इस कैटेगरी का क्या करना है हमें मोमेंटम क्रिएट करना है अपने करंट एक्शन को नहीं छोड़ना है मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगी जो भी अभी आप कर रहे थे श्लोका कर रहे थे अभी आप अर्बन कलर कर रहे थे आप जो भी कर रहे थे जिस भी प्रोडक्ट के थ्रू जो भी होम मीटिंग करते थे जो भी आपका टीटी टी था जो भी आपकी इवेंट थी उन सबको छोड़ नहीं देना है कभी कभी हम क्या करते हैं एक नई कैटेगरी आती है सोचते हैं कि बस झंडे गाड़ देंगे और जो भी अभी कर रहे होते हैं वो बंद कर देंगे नहीं जो कर रहे हो वो एज इट इज करते रहो थोड़ा हार्ड वर्क करो थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करो इस कैटेगरी को पूरी टीम एक्स्ट्रा टाइम दे ऐसा आपको अपने साथ बात करनी है और अपनी टीम के साथ बात करनी है करंट एक्शन को नहीं छोड़ना है देन पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लेकर के रेंज आई है हमें इस रेंज पर सो नहीं जाना है किसी भी हाल में हमें इस रेंज पर सोना नहीं है जो सो गया वो खो गया जो जागेगा वही पावेगा तो हर हाल में आपको इस कैटेगरी में जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पॉसिबिलिटीज को आप अभी पसंद कर रहे हो या ना पसंद कर रहे हो ये बातें होंगी तो ये लिए बिल्कुल हमारे आउट ऑफ कम्फर्ट जोन बात है हम कभी इसमें घुसे ही नहीं थे तो कभी आपको ये पसंद आएगा कभी ना पसंद आएगा क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में बहुत सारे काम है जो ना पसंद के भी करते हो तो पसंद करो या नापसंद करो पर इग्नोर नहीं करो लगातार इसमें इन्वॉल्व रहो आइडिया को स्क्रैप नहीं करो अरे नहीं ये सब नहीं चलता भाड़ में जाए क्या कंपनी हमारे लिए आई मारो गोली हमारे तो जो चल रहा है बस हमारा तो वो ठीक है हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है डोंट डू दिस मेरे फादर इन लो ने एक, बात बात, एक बार ये बात कही थी मैं आपको बताऊं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं जहां भी हूं ना वो उन्हीं के कारण हूँ पर जब एक बार मैंने उनसे पूछा था मेरे हस्बैंड को बोला अरुण जी को कि अरुण जी उनसे पूछो हम बॉम्बे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि अरे नहीं बम्बई बंबई कुछ नहीं तुम तो तुम्हारे लिए राजस्थानी काफी है उन्होंने मेरे बम्बई जाने को आइडिया को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया था खत्म कर दिया था माइनस कर दिया था मैंने अरुण जी को बोला जाके दोबारा पूछो कि इसमें नुकसान क्या है अपने पापा मम्मी के साथ जा रही है कुछ करके आएगी अरुण जी दोबारा गए तो बोले जैसे तुम्हारी मर्जी हमारे घरों में बड़े लोग जब कहते हैं ना जैसे तुम्हारी मर्जी तो जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं उस दिन क्या सरस्वती दुर्गा क्या बैठी थी मेरे में पता नहीं हमने अपनी मर्जी कर ली तो आज हम है ना यहाँ आइडिया स्क्रैप नहीं करते अगर स्क्रैप करने लायक आइडिया होता तो समीर मोदी जी लाते नहीं मेरा तो उन में बहुत बड़ा ट्रस्ट है उन्होंने अपनी सारी ताकत इसमें डाली है सारी ताकत डालने वाले मैंने तो इस उड़न उड़न खटोले पे उड़ान भरनी भरनी है इतनी कॉमन सेंस इतनी बुद्धिमानी मुझ में नहीं हो तो फिर मेरा तो सफलता पे हक नहीं बनता समझ लो आप स्क्रैप नहीं करना आइडिया को लगातार लर्न करना है नॉन स्टॉप लर्न करना है मेरे से आज आप सातों प्रोडक्ट पे बात करने के लिए बोलो मुझे नहीं आता मैं आज भी मैं पंद्रह दिन से बारह दिन से इस रेंज पर काम कर रही हूँ पर मुझे आज भी इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करनी नहीं आती मैं सीख रही हूँ मैं अगली बार आपको यही सातों प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग करके दिखाऊंगी क्योंकि जब तक हम कंपनी वालों से कराते रहेंगे तब तक तो कंपनी वाले करते रहेंगे जब हम लीडर्स से ट्रेनिंग करने लगेंगे तो हमारे डाउनलाइन डुप्लीकेट करने लगेंगे मेरे को मालूम है अर्जेंटली अर्लिएस्ट मुझे ये ट्रेनिंग करनी है खुद नॉन स्टॉप लर्न करो इस खेल के खिलाड़ी बनो किसी भी खेल का जब हम खिलाड़ी बनते हैं ना तो खुशी खुशी करते हैं और फिर रिजल्ट भी तभी, तभी मिलते हैं और ये जो टीम वर्क वाला काम है इसमें टीम एक्टिविटीज बहुत सारी कराई जा सकती हैं इसमें आप अपनी टीम को लेकर के सुबह किसी पार्क में जा सकते हो सब लोग मिलकर के जो है वहां पे गेम्स खेल सकते हो वहां पे है ना मोदी के मोदी के नारे लगा सकते हो बनेगा इंडिया हेल्दी के नारे लगा सकते हो तरह तरह से फोटो शूट कर सकते हो बहुत कुछ है जो इसमें किया जा सकता है तो उस खेल के खिलाड़ी बनो नॉलेज लो एक्शन करो रिजेक्शन लो अरे मैं कहती हूँ बाकी सब छोड़ो सौ ना तो लेकर क्या हो इस कैटेगरी पे सौ ना लेने वाले बनो हां देने वाली सफलता बनेगी सौ नाक तो लेकर क्या आओ इतने बड़े खिलाड़ी तो बनी सकते कि ना कि सौ ना लेकर के आ जाए एक दिन में ले आओ दस दिन में ले आओ सौ दिन में ले आओ वो आपकी मर्जी है पर सौ ना लेकर के आओ मजा देखो फिर क्या आता है देन लगातार इन्वॉल्व रहना है लोग क्या करते हैं अचानक से जागते हैं फिर सो जाते हैं कैटेगरी पे जागते हैं फिर सो जाते हैं कैटेगरी पे नहीं लगातार इस कैटेगरी में घुसो 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 धक्का 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 मोमेंटम खट करके वहीं से आएगा जब आप लगातार कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व रहोगे कोई ना कोई आपको लोग मिलते चले जाएंगे आपका काम आसान होता चला जाएगा गिव इनफ टाइम टू कैट टू द कैटेगरी टू कैच मोमेंटम कोई भी कैटेगरी ना मैं इसीलिए मैंने क्यों कहा करंट एक्शन को नहीं छोड़ना है क्योंकि कोई भी नई कैटेगरी टू मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स लेती है मोमेंटम पकड़ने में आप पहले का सारा छोड़ करके इस कैटेगरी पे लग जाओ और फिर मोमेंटम में चार महीने लगे तब तक आप पेशेंस नहीं रख पाओ वो गलती हो जाएगी जो कर रहे हो वो करो बट आपको थोड़ा टाइम इस कैटेगरी को देना है लगातार एक्शन करने है मोमेंटम पकड़ने से पहले किसी भी हाल में माइनस में नहीं जाना है किसी भी हाल में जो है डिसअपॉइंट नहीं होना है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है एक्शन को कम नहीं करना है लगातार एक्शन बढ़ाना ही है तब तक जब तक ये कैटेगरी आपके लिए मोमेंटम पकड़े हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बी द विनर दोस्तों एंड रिजल्ट देखती है सारी दुनिया सब ये किसी को नहीं पता चलता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया आपने आपने जो है क्या स्ट्रगल किया आपने कितने एफर्ट्स किए आपको रिजल्ट क्या मिले कितने का चेक आता है कौन सी गाड़ी में घूमते हो फॉरन ट्रिप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो चीजें अल्टीमेटली ये मायने रखती हैं तो बी द विनर जब तक ये कैटेगरी आपको लाख रुपया महीना नहीं दे देना तब तक इस कैटेगरी के बारे में एक भी शब्द नेगेटिव बोलना नहीं है ढेरों शब्द पॉजिटिव बोलने हैं इसके बारे में लगातार सीखना है इसके बारे में लगातार बात करनी है इसके बारे में लगातार प्लानिंग करनी है और जिंदगी भर जिंदगी भर इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है कि ये आपकी दस पीढ़ियों की जिंदगी तार सकती है बी द विनर वो अपने आप से बोलो कि भैया मैं मेरे बाप का बेटा नहीं मेरा शायद ये डायलॉग थोड़ा सा गड़बड़ है पर मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना मैं मेरे बाप की बेटी नहीं अगर निशान ने ऐसा नहीं किया ना तो ये मेरा बेटा नहीं मैं से ना इसको इसमें क्या मेरे को चूल मिलती है आप सोचो आपको चूल कैसे मिलती है खुद को खुद को इस देना होता है खुद को वो नीचे से पुश देना होता है तो आपको क्या चीज पुश करेगी वो आप देखो पर ये कैसे अपने आप को फाड़ के निकाल के लेके आओगे वो आप देखो पर ये जो कैटेगरी है ये आपकी जिंदगी बदल सकती है ये समीर जी ऑलरेडी देख चुके हैं और इसीलिए लाई गई है इसकी पॉसिबिलिटीज पे काम करो हम आपकी लगातार मदद करेंगे एक वो कल्चर डेवलप करो मोदी केयर में में वेलनेस पे फोकस करने का अपनी टीम टी टी शर्ट्स बन शर्ट्स बनवा बनवा लो लो नहीं तो कैप और सब जने मिलकर के सुबह एक्टिविटीज पे निकलने लगो एंड बंदे को ना जब एक बार वेलनेस का चस्का लग जाता है मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करूँ ना तो मन नहीं लगता मेरा मेरे को मॉर्निंग वॉक करनी ही करनी है वेलनेस का चस्का बहुत बड़ा चस्का है हर तरह से फायदा है इसमें तो अपनी टीम में वेलनेस पर फोकस कराओ ये फेट टू फिट के जो गोल ले रहे हैं आप लोग गोल लो अपने आज वीडियो बनाई है जिनमें जाकर के वो है ना अपनी एक्सरसाइज करते करते उसने इस प्रोडक्ट के बारे में बात करी है आप लोग भी अपने मोबाइल लेके कुछ 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 बनाओ एफ बी पे लाइव जाओ एफ बी पे इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक दिन एक प्रोडक्ट के बारे में सीख करके चले गए फिर अगले हफ्ते या दो चार दिन बाद फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सीख करके चले गए कंपनी की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोज आ रही है कंपनी की हमारे ऑफिशियल मोदी केयर फेसबुक पे और इंस्टा पे उन वीडियोज को अपने फेसबुक पे इंस्टा पे शेयर करने लगो एक सोशल ओरा बनाओ लोगों को ऑलरेडी फेसबुक से इसके ऑर्डर आने लगे लोग अपनी फेसबुक पर इसको शेयर कर रहे हैं इसके बारे में बातें शेयर कर रहे हैं यूज इट फॉर ट्वेंटी डेज और गिव इट बैक करके प्रोडक्ट डाल दिया ना उससे भी ऑर्डर आ गया है कि अच्छा बीस दिन यूज करके वापस कर सकता हूँ तो ठीक है भैया बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिन पे हम लगातार बात करेंगे पर आज के लिए इतना ही काफी है मैं अभी व्हाट्सएप पर आपको स्क्रिप्ट भेज रही हूँ एक होमवर्क तो दे रही हूँ कल साढ़े छह बजे से पहले पहले वो स्क्रिप्ट कम से कम ये जो खाज हजार लोग याद कर रहे हैं ये हजार लोग वो याद कर चुके हो स्क्रिप्ट कल से पहले पहले परसों से पहले पहले आपकी टीम में कम से कम एक व्यक्ति को ये याद करा देना बेसिक टर्म्स है जो आपको याद हो जानी चाहिए और बस फील्ड पर रखो एक्शन करो हम मिलते रहेंगे मिलाते रहेंगे कैसे काम करना है बताते रहेंगे खुद काम करके दिखाते रहेंगे हम खाली बताएंगे नहीं खुद काम करके दिखाते रहेंगे एक साथ जीतेंगे जीतेंगे तो सब एक साथ जीतेंगे चलो आओ हाँ, मिलके करते हैं ऑल दी वेरी बेस्ट ओवर टू यू निर्मला जी वाव थैंक यू सो मच मैम आपने इतनी अच्छी तरह मतलब वेलनेस के जो हमारी न्यू रेंज आई है स्पोर्ट्स रेंज अभी तक हमें सच में ये था कि हम सिर्फ जिम ऑनर्स को या एथलीट पर्सन को ही रिकमेंड कर सकते हैं बट आपने जो क्लियर किया कि इन प्रोडक्ट्स को हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा लगा कि हम किसी भी अनोन पर्सन के साथ जो भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन सभी के साथ हम प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे हम इन प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से समझाया मैम थैंक यू सो मच इसके लिए अब हम जरूर इन प्रोडक्ट्स को और बहुत अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे जो आज आपने सिखाया सेम वही चीज टीम के साथ डुप्लीकेट करेंगे ताकि इन प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा बिजनेस हो सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर हम आज के लिए मैं बताना चाहूंगी नेक्स्ट हमारी कल से कमांडो ट्रेनिंग है जो कमांडो ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है कल डे थ्री है और जिसमें हम हमारे टीबीडी ग्रुप से कल सीखेंगे हम लोग कि शुरुआत कैसे करनी है बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है और जब शुरुआत आप कर लेते हैं तो बिजनेस को रफ्तार कैसे देनी है तो आप लोग कल की ली प्लेटफॉर्म पे बजे की ट्रेनिंग लॉग इन कीजिएगा क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है जब आप सीखेंगे आप टीम में डुप्लीकेट कर पाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे तो फ्रेंड्स जरूर मिलेंगे कल से सेम प्लेटफॉर्म पे ठीक साढ़े छह बजे भूलिएगा मत तब तक के लिए Bye-bye and namaskar.